प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारत के सभी टीवी चैनल्स बार बार ये दावा करते कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायदे करते हैं उनको पूरा भी करते हैं। लेकिन आज हम आपको वो वायदे बताने वाले हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाओं में किए थे, क्या वह वायदे पूरे हो पाए हैं। आपको बता दें कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सत्ता में अपने 9 साल पूरे किए हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी टीवी चैनल्स गुणगान कर रहे हैं कि भाजपा ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया और भी न जाने क्या क्या बता रहे हैं। जो नहीं किया वो भी बता रहे हैं और टीवी चैनल तो भाजपा के प्रवक्ताओं को भी पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन अब हम आपको बताने वाले कि आखिरकार जो कहा था वो कितना सच हुआ है। आपको बता दें कि साल 2014 की 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कमान संभाली थी। उस साल मोदी लहर पर सवार होकर भाजपा ने प्रचंड बहुमत भी हासिल किया था। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी मोदी सुनामी ने विपक्षी दलों के कई पुराने तख्त उखाड़ दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 303 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। आप सबको पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की थी और मौजूदा सरकार ने इन घोषणाओं और योजनाओं को पूरा करने के लिए एक समय सीमा भी तय की थी। अब सवाल उठता कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन योजनाओं को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किया था क्या वह पूरा हो गया। वो भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार। जमीनी हकीकत का तो आप सबको पता ही है, सरकारी आंकड़ों में और जमीनी हकीकत में कितना अंतर होता है। लेकिन फिर भी क्या उन्हीं के अनुसार उन्हीं के वायदे पूरे हो पाए हैं। दोस्तों आपको आज 5 बड़े वायदे बताएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे करने का वायदा किया था देश की जनता से, जिसके दम पर 2 बार के लोकसभा चुनाव अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। हर भारतीय परिवार को पक्का घर केंद्र सरकार की इन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सरकार घर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को साल 2015 में शुरू किया था। योजना का मुख्य उद्देश्य है साल 2022 तक भारत के हर परिवार को ग्रामीण और शहर में पक्का घर देना था। हालांकि तय किए गए समय तक लक्ष्य पूरा नहीं हो पाने की योजना की अवधि को साल 2024 तक बढ़ा दिया गया था। साल 2021 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में बताया कि इस योजना को लॉन्च करते समय ग्रामीण भारत में 2.95 करोड़ पक्का घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। लेकिन अब तक यानी साल 2021 तक केवल 1.65 करोड़ घर ही बनाए गए हैं, तो यह वायदा भी अधूरा रह गया। हालांकि दूसरे नंबर पर जो वायदा आता है, हर घर को 24 घंटे बिजली की उपलब्धता, सबको पक्का घर दिलाने की योजना की तरह ही सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि साल 2022 तक भारत के हर घर को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। सरकार की इस घोषणा की समय सीमा भी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक भारत के सभी घरों को 24 घंटे बिजली तो नहीं मिल पाई। 24 घंटे बिजली मिलना तो दूर है, कई गांव तो ऐसे हैं जहां आज तक बिजली पहुंच ही नहीं पाई है। तो ये वायदा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अधूरा पड़ा है। और आप भी बताइए, क्या आपके घर में भी 24 घंटे बिजली रहती है। वही आपको बता दे, तीसरा जो बड़ा वायदा किया था, $5 खरब की अर्थव्यवस्था। सितंबर 2018 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाले 4 साल तक यानी साल 2022 तक भारत $5 खरब की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा को कई भाजपा नेताओं ने सार्वजनिक मंच और चुनावी रैलियों में भी दोहराया है। अब साल 2022 भी खत्म हो गया तो इस साल भारत की अर्थव्यवस्था $5 खरब होने वाला लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका। देश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $3 खरब पर अटकी पड़ी है। तो ये वायदा भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने रखा था
वो भी अधूरा ही है। किसानों की आय दुगनी करना, साल 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि साल 2022 तक देश के सभी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इस बात को साल 2021 तक केंद्र सरकार के हर वार्षिक बजट में दोहराई थी। अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ समय खत्म हो गया, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। साल 2023-24 के वार्षिक केंद्रीय बजट में किसानों का बजट अनुमान पिछले साल से भी कम कर दिया गया है। यानी साल 2023-24 में कृषि बजट 1.24 लाख करोड़ था, जिसे घटाकर 1.15 लाख करोड़ के आसपास कर दिया गया है। पिछले साल की तुलना में फसल बीमा योजना का आवंटन भी 15,500 करोड़ से कम करके 13,625 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा खाद पर मिलने वाली सब्सिडी में भी भारी कटौती की गई है। तो आप समझ सकते कि किसान की आय दोगुनी का तो पता नहीं कब होगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसान पर मोदी सरकार ने वापिस हमला किया है और किसानों की आय और ज्यादा घटा दी है। वहीं आपको बता देंगे, बुलेट ट्रेन का काम पूरा करना, यह वायदा 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ गुजरात के अहमदाबाद में मुंबई से अहमदाबाद के बीच अपनी महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। उस समय मोदी सरकार ने कहा था कि देश जब 15 अगस्त 2022 को 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस वक्त देश की पहली बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। अब साल 2022 खत्म हो चुका है, लेकिन भारत में बुलेट ट्रेन कब तक दौड़ेगी, इसे लेकर अब तक संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि फरवरी महीने में हुए एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 2026 के अगस्त महीने से देश की पहली बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। तो आप समझ सकते कि इन 9 सालों में मोदी सरकार ने वायदे तो बहुत सारे किए, लेकिन यह 5 वायदे अहम थे जो मोदी सरकार ने कहा था कि इनको 2022 तक या 2021 तक पूरा कर दिया जाएगा। और इन्हीं के दम पर 2 बार लोकसभा के चुनाव भी लड़े गए और जीते भी गए, और विधानसभा चुनाव का तो यही नहीं पता कितने विधानसभा चुनाव हुए हैं और जीते गए हैं। दोस्तों, अब आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वायदे किए थे, उनमें से ये 5 वायदे ऐसे हैं जो अधूरे हैं। अभी तक 2023 आ चुका है, लेकिन अब तक भी बहुत सारे वायदे तो ऐसे हैं जो अब तक पूरा होने की तो दूर की बात है, जो चल रहा था उससे भी नीचे गिर चुके हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।